इसराइल पर हिज्ब के हमले फिर से शुरू हो गए हैं। अभी अभी किए हिज्ब ने रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह की ओर से हमला किया गया है। किरत शमोना मेतुला पर रॉकेट दागे गए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी ताज़ा हमला है, ये हिजबुल्लाह की ओर से ये ताज़ा अटैक किया गया है। और हिजबुल्ला प्रमुख रहे हसन नसरुल्ला की मौत के 40वें दिन हिजबुल्ला ने उसकी मौत का प्रतिशोध ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला ने पूरे इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट की बरसात की है। एक दिन में इतना बड़ा हमला हिजबुल्ला ने अब तक नहीं किया था। इस हमले में इसराइल के कई सैन्य बेस तबाह हुए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हिजबुल्ला की मिसाइल गिरी है। हिजबुल्ला ने पहली बार इसराइल के खिलाफ मेड इन ईरान मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हिजब के ऑपरेशन से संकेत मिल रहे हैं कि रूस और ईरान ने बड़े हमलों का ऑर्डर जारी कर दिया है। नए प्रमुख नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल के विनाश तक जंग जारी रहेगी। देखिए इसराइल में कैसे बरसी हिजबुल्ला की बारूदी ज्वाला। नसरुल्ला की मौत के 40वें दिन हिजबुल्ला ने उसे बारूदी श्रद्धांजलि दी और पूरे इसराइल पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। ये इसराइल के पश्चिमी गलीली के अविविम की तस्वीरें हैं। अविविम पर रॉकेट हमलों के बाद बड़े इलाके में आग लग गई। ऐसी ही आग इसराइल के हमलों से यमन में लगी थी। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल के शहर शहर में आग और धुएं के गुबार नजर आने लगे। सात नवंबर की भोर होते ही हिजबुल्ला की मिसाइलें गर्जी और इसराइल से विनाश की तस्वीरें आने लगी। इसराइल के आसमान में हिज्ब के रॉकेट और ड्रोन उड़ते नजर आने लगे। हिज्ब के हमलों से अविविम में बड़ी तबाही। हिज्ब का एक रॉकेट अविविम के उस क्षेत्र में गिरा जहां इजरायली सैनिक थे और धमाके के बाद आग लग गई। पश्चिमी गलीली क्षेत्र से आई तस्वीरें हिजबुल्ला के हमलों की तीव्रता बता रही है। एक सर्वेलेंस कैमरे से मिसाइल गिरने की तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई है। इसराइल ने हिजबुल्ला के हमलों को रोकने के लिए अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट की। लेकिन तेल अवीव में एक डिफेंस सिस्टम की मिसाइल गिरी और एक कार तबाह हो गई। हिजबुल्ला के हमलों से इसराइल के कई शहरों में आग लग गई। 7 नवंबर की सुबह तेल अवीव के क्षितिज पर धुआं ही धुआं नजर आने लगा। हिजबुल्ला ने इसराइल के खिलाफ 36 ऑपरेशन चलाए। सुबह 9 बजे किरियत शिमोना पर रॉकेट हमले किए गए। ठीक इसी वक्त कफार गोल पर 20 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए। 9:15 पर सासा सेटलमेंट पर रॉकेट बरसाए गए। 10:15 पर 188वीं आर्मर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर राबिया बेस पर हमले किए गए। 10:40 पर मेतुला में मरकावा टैंक को टारगेट किया गया। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके हमले में कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन इसराइल ने अब तक एक आम नागरिक के मारे जाने की पुष्टि की है। हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया है कि इसराइल के स्टेला नेवल बेस पर उसके लड़ाकों ने 6 नवंबर की शाम को 6:15 पर हमला किया। ये हाइफा में बना नेवल मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस बेस है। इसराइल पर अब तक इतनी बड़ी तादाद में हिजबुल्ला ने हमले नहीं किए थे। 7 नवंबर को हिजबुल्ला ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया।
इसराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिजबुल्ला ने मिसाइल हमला किया है। एयरपोर्ट परिसर में जोरदार धमाके की तस्वीरें भी आई हैं। हालांकि हिजब की मिसाइल एयरपोर्ट के रनवे से दूर खाली मैदान में गिरी। इस हमले में आम नागरिक बाल बाल बचे हैं। एयरपोर्ट की ओर बढ़ने वाली मिसाइल को इसराइली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। हिजबुल्ला ने पहली बार इसराइल पर हमले के लिए फतेह 110 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह मिसाइल ईरान में बनी है और सेना इसका इस्तेमाल करती है। ये गाइडेड मिसाइल है। इसकी हमले करने की रेंज 300 किलोमीटर तक की है। ये 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रफ्तार 5000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसकी हमला करने की एक्यूरेसी 10 मीटर तक की है। मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है। ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हिजबुल्ला के मिसाइल हमले की तस्वीर है। सर्वेलेंस कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों में एक जोरदार धमाका दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों ने भी मोबाइल फोन कैमरे में धमाके की तस्वीरें रिकॉर्ड की। हिज्ब का एक रॉकेट एयरपोर्ट के सुरक्षा दीवार के करीब पार्किंग लॉट में गिरा और वहां एक गड्ढा बन गया। हिजबुल्ला ने 60 मिनट में इसराइल पर 120 से ज्यादा रॉकेट बरसाए और इन हमलों के बाद इजरायली टारगेट के मैप का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इसराइल पर हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ हमले करके संकेत दे दिए हैं कि इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से ना तो उसकी ताकत घटी और ना ही अमेरिका में सरकार बदलने से उसका स्टैंड बदला है। हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्ला युद्ध विराम की भीख नहीं मांगने वाला, चाहे बरसों बरस तक जंग लड़नी पड़े। हिजबुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल पर वो अपनी सबसे ताकतवर और लॉन्ग रेंज मिसाइलें बरसाने को तैयार है। रिपोर्ट है कि ईरान से हिजबुल्ला को नई मिसाइलों की सप्लाई हुई है। ईरान के मित्र देश रूस से भी हिज्ब को हथियार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। इसके साथ ही इसराइल पर मिसाइल हमले भी बढ़ाए जाने वाले हैं। ट्रंप के जीतते ही रूस ईरान ने इसराइल के साथ महासंग्राम के संकेत दे दिए हैं और ये जंग अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल बनने की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।